वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर में कंटेनमेंट जोन का हो रहा उल्लंघन के बाद प्रशासन की नींद खुली है। प्रशासन ने माइकिंग के जरिए लोगों से कंटेनमेंट जोन में घर में बने रहने की अपील की है। वहीं घर के बाहर निकलने वालों पर सख्ती का भी आदेश दिया है। हाजीपुर में डीएसपी राघव दयाल के नेतृत्व में फ्लैग मार्च भी निकाला गया तथा लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। चालन बंद रहेगा, कंटेनमेंट जोन में खुली दुकान पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सब लोग अपने अपने घर में रहे, मास्क का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी बनाकर रहे। मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपके खिलाफ जो प्रावधान है कार्रवाई किया जाएगा। अभी समय है, जिनका मार्केट खुला हुआ है, जो मार्केट के अंदर में आ गए हैं, उसके अपने अपने घर के अंदर चले जाएं और मार्केट से बाहर चले जाएं। दुकान बंद करके अभी हम खाली करें मार्केट को, मार्केट खाली करके अपने अपने घर के अंदर जाएं, मार्केट के बाहर जाएं। दुकान बंद, कंटेनमेंट जोन के अंदर आदमी का पैदल चलना बंद, कोई भी आदमी पैदल नहीं चलेगा कंटेनमेंट जोन के अंदर, कोई गतिविधि नहीं होगी, आदमी नजर नहीं आएगा। जब तक आपके इलाके में कोरोना का पेशेंट आना बंद नहीं हो जाएगा, तब तक कंटेनमेंट जोन में कोई गतिविधि नहीं होगी। सिंपल है, किराना दुकान बंद जो छूट के दायरे में था, फल दुकान बंद जो छूट के दायरे में था, दूध दुकान बंद जो छूट के दायरे में था, फल दुकान बंद, सब्जी दुकान बंद, आदमी का पैदल चलना बंद और रोड में एक चिड़िया भी नजर नहीं आएगा कंटेनमेंट जोन के अंदर। मार्केट खोला तो बहुत दूर की बात है, कोई दवा लेकर सब्जी भी नहीं बेच सकता है, वो झोला भी नहीं धुआ सकता है, वो दूध वाला करके फंड से दूध भी नहीं बेच सकता है। अगर आपको फल की जरूरत है, सब्जी की जरूरत है, आप प्रशासन को फोन कीजिए, जिनको वहां हम लोग पहुंचाएंगे। कोई भी आदमी कोई सामान लेने जाएंगे तो वहां नहीं निकलेंगे, घर के अंदर रहेंगे, सारा एक्टिविटी बंद रहेगी, सभी आदमी अपने अपने घर के अंदर रहेंगे, कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकलेंगे, सारा गतिविधि।